भारत और नेपाल के बीच सोमवार को राजनयिक स्तर की वार्ता खत्म हो गई। काठमांडू में नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और भारतीय राजनयिक विनय क्वात्रा के बीच वार्ता हुई। वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से तय था, लेकिन इसका भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक इस राजनयिक वार्ता की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। जानकारी के मुताबिक ओली ने कहा है कि संवाद को किसी के हार जीत और किसी के झुकने और किसी के अरने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे संबंधों के सुधार की दिशा में दोनों देशों के प्रयास के रूप में देखना चाहिए। इसके बाद भारत की ओर से जो आधिकारिक बयान सामने आया, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नेपाल के पीएम को टेलीफोन कॉल के लिए धन्यवाद दिया और भारत और नेपाल के सदियों पुराने और सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम केपी शर्मा ओली के बीच ये बातचीत सीमा विवाद शुरू होने के बाद पहली बार हुई है। आज भारत और नेपाल के बीच में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, जिसमें कि भारत के राजदूत विनय क्वात्रा की मीटिंग नेपाल के जो विदेश सचिव हैं वहाँ के जो शंकर बैरागी उनके साथ मीटिंग हुई थी। हालांकि इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें बताया गया था कि जो भारत की सहायता से नेपाल में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको एसेस करना था, उसको इवेल्युएट करना था। और भारत की सहायता से नेपाल में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं या फिर जो रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और भारत और नेपाल के बीच में जो चेक पॉइंट्स हैं, इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एसेस करने के लिए यह मीटिंग हुई थी। लेकिन चूँकि कुछ दिन पहले भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसमें एक तरह से दरार आ गया था, तो उस कारण से इस मीटिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और यह भी कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसमें जो भविष्य में भारत और नेपाल के बीच में बातचीत होगी उसके लिए भी एक तरह से एक खाका तैयार किया जा सकता है। 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दे दी। इस पर भारत ने कहा कि नेपाल ने अपनी सीमा का जो बनावटी क्षेत्र विस्तार किया है, इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है।